कलेक्टर प्रवीण सिंह के निर्देशन में अमानक स्तर का खाद्य बीज रखने वाले विक्रेताओं पर जिले में कार्यवाही की जा रही है। इस परिक्षेप में जांच दल द्वारा खाद्य बीज के 14 प्रतिष्ठानों में औचक निरीक्षण कर खाद्य बीज के नमूने लिए हैं। इस तरह बरघाट विकास खंड के आस्था कृषि केंद्र पर धान बीज सुपर डुपर के ना उगने के कारण बरघाट बीज कंपनी नाथ बायोजींस पर FIR दर्ज की गई है। साथ ही नियम विरुद्ध संचालित एवं दस्तावेज का संधारण न कर रहे 8 दुकानों को सील करने की भी कार्यवाही की गई है, जिसमें धनोरा विकास खंड की नियति कृषि केंद्र, नर्मदा कृषि केंद्र, सोनवाने कृषि केंद्र एवं शिखर ट्रेडर्स एवं गोपालगंज में पारधी ट्रेडर्स एवं पारधी किराना दुकान एवं शिवम हेयर सलून में खाद्य एवं गेहूँ बीज के अवैध भंडारण पाए जाने पर सील किया गया है। साथ ही प्रीति ट्रेडर्स गोपालगंज में 50 बोरी गेहूं बीज के अवैध भंडारण को जब्त कर सील किया गया है। सिवनी से उत्तम सेन की रिपोर्ट।